वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब के ला के चाहिए। ईशा जी और राजू जी ने आज स्टूडियो खोला है। स्टूडियो तो अपनी हुई है और बहुत ही प्यारा स्टूडियो, देखिए काफी बड़ा स्टूडियो है। मेरे ख्याल से ये अंधेरी में अपने आप में बहुत बड़ा स्टूडियो है, वन हॉप स्टूडियो जो है ये। तो ईशा जी को और राजू जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक, और खास करके मीडिया वालों को भी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शुभ अवसर पर ईशा जी को और राजू जी को बहुत बहुत बधाइयां। और देखिए जब एक कलाकार इस तरीके का कोई स्टेप उठाता है और आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो इनके लिए मैं गाना जाते जाते गाना चाहूंगा, वन होम स्टूडियो के लिए। हाँ नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ऐसे मौके पे मुबारकबाद के अलावा इंसान क्या कह सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज जब इसकी बहुत जरूरत है कि पूरा हिंदुस्तान आज रील में, डांस में कितना मतलब अपने आप को, पूरे यूथ इसमें डूबा हुआ है, तो ऐसे में ऐसे स्टूडियोज बहुत खुलने चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि शबाना जी, राजू जो मेरे परिवार की तरह है, अग्रशा जिन्होंने इनका साथ देकर इतने बड़े एक स्टूडियो को खोला है। नाम कितना प्यारा है, वन होप स्टूडियो। वी ऑल नीड होप इन लाइफ, और मुझे लगता है कि एक उम्मीद की तरह ये स्टूडियो सारे कलाकारों को जो अपने डांस में या अपने आप को एज एन एक्टर उभारना चाहते हैं वो इस स्टूडियो में आए और इसको पूरे 300 दिन बिजी रखें। और ऐसे वन होप स्टूडियो पूरे बॉम्बे में कम से कम 10-15 शाखाएं खुल जाए आपकी, हर वार्ड में पहले बॉम्बे फिर ऑल ऑफ स्टेट। आई विश ऑल द लक टू बोथ ऑफ यू। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या स्टूडियो की विशेषताएं हैं इसमें? स्टूडियो की विशेषताएं ये है कि हम लोगों ने मिलकर खोला है, कृष्णा जी ने हमारा सपोर्ट किया है। दूसरा, इस स्टूडियो में सिर्फ ना ही डांस बल्कि क्रोमा शूट, फोटोशूट, रील्स, एल्बम, म्यूजिक वीडियोज जो करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग अवेलेबल करेंगे। स्लोली स्लोली डे बाय डे जैसे हमारा प्रोग्रेस होता है उसी तरह हम इसको जितना हो सके हम इसको एक्सपैंड करें। बस यही उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़े और हम लोग कामयाब। बाकी आप लोग का बहुत बहुत, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल मीडिया थैंक यू, आप कवरेज के लिए आए, हमें सपोर्ट करने के लिए आए। उसके बाद मैं तहे दिल से सारे परिवारों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कैमरामैन नहीं दिख रहे हैं, जो आसपास मेरे दोस्त, मेरा परिवार सब है। और नीरज जी थैंक यू, क्योंकि इंडस्ट्री के इतने जाने माना नाम, इतना नामचीन नाम, और वो हमारे बीच में हमें, अगर हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं तो ये लार्जर उसमें जनता तक पहुंचती है, तो थैंक यू, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, थैंक यू। एंड आरती पुरी इज देयर विद अस, शूरवीर त्यागी, अरविंद जी प्लीज कम ज्वाइन अस। ये स्टूडियो कम ऑफिस हमारा, नहीं नहीं वो बेटा उसमें माइक पे ऐसा करा पूरा ऑडियो आएगा, अब उसको जितना ठोक दे जाते वन होप स्टूडियोज हमारा ये स्टूडियो है, ऑफिस है, यहीं से हमारा प्रोडक्शन का काम है, हमारा प्रोमा सेटअप है हमारा, और हम यहाँ से और क्या कर रहे हैं सामान जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे सपोर्ट मिलता जाएगा हम करते जाएंगे, और बस आपको साक्षा चाहिए, थैंक यू। कुछ म्यूजिक वीडियो आप प्रोड्यूस भी करेंगे आप लोग, मतलब? मैंने बताया ना कि हमारा प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ से कोई चक दे कर रहा है, चक दे राइट टाइम पे आज सुबह स्टार्ट करने से पहले ही ना मेरा मतलब ऑलमोस्ट वी वर अबाउट टू स्टार्ट एंड कौवे की नींद
हमारे ऊपर पूरी मेरे ऊपर की मैंने कहा वेरी गुड तो पीछे से कंधे दौड़ते हुए उन्होंने कहा कि यू आर सच अ लकी गर्ल ये तो सब ब्लेसिंग फॉर यू मैंने कहा यार मेरा आज ओपनिंग है हमारा स्टूडियो का डेफिनेटली दिस इज अ गुड साइन तो चेक दे तो क्या पूछा आपने हाँ मतलब प्रोडक्शन में भी आप लोग हैं क्या प्रोडक्शन हाउस यहाँ से हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है हमारी फिल्में हैं नीरज जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं नीरज जी इज कमिंग विद अस यू नो वी कैन टेक दिस सर देन बिल्कुल लीजिए तो यस वी आर ओके थैंक यू अरविंद जी हैं अरविंद जी हमारे साथ हैं टाइगर ऑफ राजस्थान एंड प्लीज उसकी तारीफ में आप खुद ही बताते हैं तारीफ तो मैं अपनी फिल्म से ज़्यादा मैं पहले छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन का देना चाहती हूँ थोड़ा वक्त हो गया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि नच बलिए विनर रह चुके हैं और नामचीन एक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हो गए तो अब उनकी जो नई फिल्म के बारे में हमारे पहले हमारा स्टूडियो ना उसके बाद सबसे पहले तो त्रिशा जी नीरज जी शबाना जी अमन जी और पूरी टीम के लिए मैं दिल से इतना कहूँगा हमेशा हम भगवान में अल्लाह में या जीसस में एक शब्द हमारा कॉमन होता है होप जो होप होता है उस पर पूरी दुनिया कायम है तो मैं सोच रहा हूँ कि जो होप लिखा है तो यहाँ हर आदमी की होप पूरी होगी ये मेरे दिल से दुआ है और कृष्णा जी मेरी हिरन भी रह चुकी है राजू राठौर ने बेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था फिर ये थोड़े इसमें लग गए लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी उस फिल्म के अंदर मुझे इतना साथ दिया था मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन इतना जरूर कि उन्होंने एक सिंगल एक रुपया नहीं दिया था जब हम